अब बात बलरामपुर की करते हैं, जहां बलरामपुर के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में बुधवार को अलग अलग दो जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से हादसा हुआ है। बेलसर और बास्टी में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हुई है और 7 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही, वहीं घायल महिला का CHC शंकरगढ़ में इलाज चल रहा है। अन्य घायल भी शंकरगढ़ के अस्पताल में भर्ती है। इधर घटना की सूचना मिलते ही राजस्व के अधिकारी और पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची और घायलों से मुलाकात कर हालात की जानकारी ली। बेलसर ग्राम में बिजली गिरने से एक 2 साल के बच्चा सहित 4 लोग खत्म हो गए, जिसमें से एक ही परिवार पति पत्नी और बच्चे और 2 लोग घायल हैं और एक 5 दिन में भी यही घटना हुई है जिसमें 5 लोग घायल हैं, जिनको लेने के लिए अग्रिम कार्रवाई कर रही है। वो बलरामपुर में बड़ी खबर अपना दिखा दें, जहां गाज के चपेट में आए 4 ग्रामीण की मौत होगी। सावे गाज ने 2 ग्रामीण घलोक झुलसी से, मृतक मां 3 पहाड़ी कोरवा समुदाय के ग्रामीण बताए जाते। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के बेलसर गांव के पूरा मामला है। छत्तीसगढ़ के कई जिला मां घलोक आकाशीय बिजली के मौत के मामला लगातार सामने आते और सरलग बारिश होते लगातार देख सकते हैं कि मौसम के दौर जारी है, जिकर स्थिति लगातार ऐसी खबर सामने आते। एक बार फिर आप मला बलरामपुर खबर दिखा दें, जहां गाज के चपेट मां 4 ग्रामीण मन के मौत होगी। सावे मृतक मां 3 पहाड़ी समुदाय के ग्रामीण बताए जाते। बेलसर ग्राम में बिजली गिरने से एक 2 साल के बच्चा सहित 4 लोग खत्म हो गए, जिसमें से एक ही परिवार पति पत्नी और बच्चे और 2 लोग घायल हैं और एक 5 दिन में भी यही घटना हुई है जिसमें 5 लोग घायल हैं, जिनको लेने के लिए जांच कर अग्रिम कार्रवाई कर रही है।